today in the subject of the manufacturing process ke subject mein metal forming process hum log shuru karenge. Metal forming process ek bahut hi khoobsurat production process hai jisme kai tarah ke materials कई तरह के प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं जो कि दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपको संभव नहीं है. ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का इंडस्ट्री में काफी आपको योगदान रहता है और ये आपको किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो ये आप जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आपको बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट आपको काम आएगा. तो पहले हम मेटल फॉर्मिंग का डिफिनेशन हम देखते हैं. लार्ज सेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन विच द मटेरियल इज द डिफॉर्म प्लास्टिकली टू द शेप ऑफ द डाई ज्योमेट्री. कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं इसमें. ये आपको यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोसेसेस आपको दिखाए गए और ये 9 स्केचिंग दिखाया गया है. 9 प्रोसेसेस आपको दिखाए गए हैं जो आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आपको आते हैं. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया जाता है. मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया जाता है जिससे कि वो आपको शेप ले सके. तो ये आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है जब लोड अप्लाई करते हैं किसी मेटल पे तो पुनः वो अपने स्थिति में आ जाता है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है व्हेन वी अप्लाई द लोड, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो आपको यील्ड क्राइटेरिया के ऊपर होगा और वो पुनः आपका वापस शेप में नहीं आएगा. जिस तरह का शेप आप बना देंगे वो उसी शेप में आपको रहेगा. ये इसका मतलब हो गया डिफॉर्म प्लास्टिकली. लोड अप्लाई करके उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म कर देंगे और वो डाई का शेप आप ले लेंगे. आपको मैं ये देखिए, मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं. ये आपको 4 प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है. देखिए यहां पर ये रोलर है, ये रोलर है. टाटा स्टील का जो स्टील बनता है ना, ये रोलिंग प्रोसेस से ही बनता है. टाटा स्टील कि जितने भी आपको आपको प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने टिस्को में विजिट किया हुआ था, टाटा में आपको जमशेदपुर प्लांट में मैं आपका गया हुआ हूं, कई तरह के रोलर्स हैं वहां. तो ये आपको बल्क डिफॉर्मिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है. क्या करते हैं, वर्कपीस को गर्म कर देते हैं, फर्नेस में आपको साइड में आपको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं और उसका थिकनेस आपको पतला करना है, रॉड निकालना है, बिलेट निकालना है, तो आपको रोलर के बीच में पास कर देते हैं और रोलर को बीच में पास करके ये आप प्रेशर दे देते हैं. तो ये आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ये आपको रोलिंग प्रोसेस है. फोर्जिंग में क्या करते हैं, नीचे डाई है आपका और ये आपको वर्कपीस है, ये वर्कपीस है और वर्कपीस को गर्म करते हैं. वर्कपीस को गर्म करने के बाद डाई से ऊपर से आपको प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये वेलोसिटी अप्लाई करते हैं. तो दिस इज द फोर्जिंग प्रोसेस है ना. प्लास्टिकली डिफॉर्म कर देते हैं, डाई का शेप दे देते हैं, ये आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है. सिमिलरली इन द केस ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस, मेटल को हिट करते हैं, ये डाई के अंदर रखते हैं और यहां पर आपको प्रेशर दे देते हैं, रैम से प्रेशर दे देते हैं
और ये आपको बाहर, आपको ये वेलोसिटी से आपको ट्यूब बाहर आ जाता है, ये ना एक्सट्रूजन प्रोसेस। और इन द केस ऑफ द वायर ड्रॉइंग, आपको मेटल को गर्म करते हैं, मेटल को गर्म किया, जो वायर बनाते हैं ना, जो है आपको वायर जो बनता है, तो वायर जो बनता है तो वायर में आपको यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये वेलोसिटी से आपको बाहर आ जाता है, ये डाई से आपको बाहर आ जाता है, तो ये आपको वायर बन जाता है, ये आपको वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है ना। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का जो डिफिनेशन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन विच द मटेरियल इज डिफॉर्म प्लास्टिकली, प्लास्टिकली डिफॉर्म किया जाता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर टू टेक द शेप ऑफ द डाई ज्योमेट्री। वो आपको डाई ज्योमेट्री का आप शेप ले ले, इसके लिए आपको डिफॉर्म प्लास्टिकली ये आपको अप्लाई किया जाता है। द टूल्स यूज्ड फॉर सच डिफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाई एंड द पंच। ये आपको डाई और पंच कहलाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस पे आपको डिपेंड करता है और ये आपको डाई और पंच कहलाता है। ये आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब आपको यहां पर आपको समझाया जा रहा है, स्ट्रेसेस बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कपीस मटेरियल इज रिक्वायर्ड। यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो आपको स्ट्रेस लगता है उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। मैं आपको यहां पर, आपको कोई फिगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूं आपको ये यील्ड स्ट्रेंथ आपको क्या है ना। देखिए यहां पर फोर्स इंक्रीज करता जा रहा है, फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर जाते हैं, यहां पर आने के बाद आपको जोन के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वो आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ना। एक एक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वो आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि एक लिमिट प्रेशर से यील्ड क्राइटेरिया के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं तो उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, बल्क मेटल फॉर्मिंग एंड द शीट मेटल फॉर्मिंग। ये आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, ये आपको बल्क डिफॉर्मेशन आपको बल्क मेटल फॉर्मिंग में आपको दिया गया है और शीट मेटल वर्किंग में आपको दिया गया। ये दो मेजर प्रोसेस में उसको आपको कैटेगराइज किया गया है। पहला प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेसेस, दूसरा है फोर्जिंग प्रोसेसेस, तीसरा है एक्सट्रूजन प्रोसेसेस, चौथा है वायर एंड बार बार ड्रॉइंग प्रोसेस। ये चार प्रोसेस आपको बल्क डिफॉर्मेशन में आपको काम काउंट किया जाता है, रोलिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन एंड द वायर ड्रॉइंग। ये चारों प्रोसेस मैंने अभी आपको फिगर में आपको दिखाया था है ना। और दूसरा कैटेगरी है शीट मेटल वर्किंग। शीट मेटल में आपको काम किया जाता है, इसमें ये पांच प्रोसेस हैं, बेंडिंग ऑपरेशन, स्ट्रेचिंग, डीप और कप ड्रॉइंग, सीरिंग प्रोसेस एंड द मिसलेनियस प्रोसेस। ये आपको शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस है। शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस है ना। ये आपको डाई हो गया और ये आपको पंच हो गया और ये आपको वर्कपीस हो गया, ये आपको वर्कपीस हो गया, ये आपको डाई हो गया, ये आपको पंच हो गया। यहां पर फोर्स अप्लाई किए, ये वेलोसिटी अप्लाई किए तो यहां पर आपको बेंड हो जाता है ना, ये आपको बेंड हो जाता है, ये आपको बेंडिंग प्रोसेस है। ये आपको डीप ड्रॉइंग है, देखिए ये डीप ड्रॉइंग है शीट मेटल का। शीट मेटल रख देते हैं और उसके बाद ये आपको ब्लैंक होल्डर रख देते हैं, उसके बाद ये पंच से आपको प्रेशर डाल देते हैं, ये आपको डीप ड्रॉइंग है ना। ये आपको शीट मेटल ऑपरेशन है। ये आपको सीरिंग है, ये आपको डाई है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको पंच है, ये आपको फोर्स और वेलोसिटी लगा करके यहां से आपको सीरिंग करके आपको कट किया जाता है, शीट मेटल को कट किया जाता है। तो ये आपको शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना। तो ये मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन आपको मेटल फॉर्मिंग का बताया, बल्क डिफॉर्मेशन एंड द शीट मेटल वर्किंग है ना, रोलिंग प्रोसेस, फॉर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस, वायर एंड बार ड्रॉइंग प्रोसेस।
शीट मेटल वर्किंग में आ गया, बेंडिंग ऑपरेशन, स्ट्रेचिंग, डीप और कप ड्राइंग, सीरिंग प्रोसेस एंड द मिसलेनियस प्रोसेस, है ना, ये आपको शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस। तो ये मैं आपको आपको बता रहा था कि यहां पर ये आपको बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस है, बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस का आपको डिफिनेशन आपको दिया हुआ है। इट इज अ सीवर डिफॉर्मेशन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द मैसिव शेप चेंज। देखिए मैसिव शेप चेंज इसमें होता है, वर्क फॉर्मिंग में सीवर डिफॉर्मेशन होता है। द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ द वर्क इज द रिलेटिवली स्मॉल, मोस्टली डन इन द हॉट वर्किंग कंडीशन। ये आपको हॉट वर्किंग कंडीशन में आपको किया जाता है। हॉट वर्किंग कंडीशन का मतलब हुआ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हॉट वर्किंग, है ना। हर एक मेटल का अपना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर आपको गर्म करने के बाद उसका ग्रेन ग्रोथ होने लगता है, उसके शेप में चेंज होने लगता है। तो उसके ऊपर जब काम करेंगे तो उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस, अगर उसके नीचे काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे अगर काम करेंगे ना तो उसको बोलेंगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर अगर काम करेंगे ना तो उसको बोलेंगे हॉट वर्किंग कंडीशन। तो बल्क फॉर्मिंग जो होता है आपको हॉट वर्किंग कंडीशन है। ये आपको ये जो चारों प्रोसेस आपको दिखाए गए हैं, चारों प्रोसेस में आपको वर्क पीस को गर्म किया जाता है। पहले आपको फर्नेस में आपको गर्म किया जाता है, उसके बाद रोल के अंदर लाया जाता है, रोल के अंदर लाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको उसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये आपको वो कर दिया जाता है। तो ये आपको फोर्जिंग भी हॉट वर्किंग है, मेटल को गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डाई को आपको ऊपर से आपको प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये आपको फोर्जिंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी आपको इसको पहले आपको हॉट वर्किंग कंडीशन में आपको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद आपको ये आपको डाई है और ये आपको रैम से प्रेशर दिया जाता है और ये भी वेलोसिटी से बाहर आता है, ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये आपको वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है, ये आपको वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है। डाई में वर्कपीस को गर्म करके प्रेशर इस साइड में लगाया जाता है। देखिए एक्सट्रूजन में प्रेशर इधर लगेगा, वायर ड्रॉइंग में प्रेशर इधर लगेगा, ये फर्क है दोनों में, है ना। इसमें रैम से प्रेशर देते हैं, इसमें जो है आपको प्रेशर खींचते हैं, ये आपको बल्क डिफॉर्मिंग प्रोसेस हो गया, है ना। तो इन दिस प्रोसेस द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ द स्लेब और प्लेट इज कंप्रेस्ड बिटवीन द टू रोटेटिंग रॉल्स के बीच में आपको पास किया जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीट के फॉर्म में होता है, ये आपको रोलिंग का आपको डेफिनेशन है। फॉर्जिंग में कंप्रेस्ड बिटवीन द टू डाई कंटेनिंग द शेप कंटूर, ये आपको जिस तरह का आपको डाई रखेंगे ना उसी तरह का आपको शेप बन जाएगा। यहाँ पर आपको ये ओवल डाई दिया हुआ है ना, अंडे की तरह का जो है यहाँ पे डाई है, तो आप जिस तरह का डाई रखेंगे ना उसी तरह का शेप वहां पे फॉर्जिंग में बन जाता है। द डाई शेप्स आर इम्पार्टेड इन टू द फाइनल पार्ट, फाइनल पार्ट में आपको डाई शेप आपको इम्पार्ट होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड और पुट इनटू द डाई प्रिंग टू टेक द शेप ऑफ द डाई होल, डाई होल का आपको शेप लेता है, ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है। और वायर ड्रॉइंग में ये पुल थ्रू द डाई ओपनिंग टू टेक द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन आपको लेता है, ये आपको वायर और द रॉड ड्रॉइंग है, ये आपको यहाँ पर आपको देता है, है ना। ये आपको बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक शीट मेटल प्रोसेस, ये आपको शीट मेटल प्रोसेस है, ये आपको फॉर्मिंग एंड कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द मेटल शीट स्ट्रिप्स एंड द क्वाइल्स। जितने तरह के मेटल शीट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, क्वाइल्स हैं, उसमें ये काम आपको होता है। टूल्स इंक्लूड पंच एंड डाई That are used to deform the sheet. Punch and die आपको use होता है, जो आपको deform करने के लिए आपको काम आता है।
बैंडिंग का मतलब है इन दिस द सीट मटेरियल इज स्टैंड बाय द पंच टू गिव ए बैंड शेप एंगल शेप विजुअली द स्ट्रेट एक्सिस। यह देखिए आपको बैंडिंग है, ये बैंडिंग का डिफिनेशन है ना, बैंड करना है सीट को, बैंड करना है, ये सबसे आसान तरीका है, फटाफट फटाफट आपको ना वो मशीन चलता जाएगा, बैंड होता जाता है और आपको बाहर होता जाता है, ये आपको बैंडिंग ऑपरेशन है। डीप और कप ड्रॉइंग, आपको ये डीप और कप ड्रॉइंग, ए फ्लैट मेटल सीट इनटू द हॉलो और द कॉनकेव शेप लाइक ए कप इज फॉर्म, कप के शेप का आपको इसमें आपको यूज किया जाता है ना, सीरिंग है, दिस इज नथिंग बट द कटिंग ऑफ द सीट्स, या इसको सीट को जहां कट कट करना है ना, तो सीरिंग एक्शन से उसको कट करते हैं, ये पंच है, ये आपको वर्क है, ये आपको डाई है, सीरिंग एक्शन से प्रेशर दिया, यहां पे कट हो गया है ना। तो ये आपको दो प्रोसेस था, सीट फॉर्मिंग प्रोसेस और द उसका डिफिनेशन आपको बताया गया कि यहां पर आपको क्या है। नाउ वी टॉक अबाउट द कोल्ड वर्किंग, वार्म वर्किंग एंड द हॉट वर्किंग। ये आपको ये तीन प्रोसेस लिखा हुआ है, ये तीन प्रोसेस आपको क्या है उसके बारे में, जैसे मैंने अभी बताया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, आपको आरटी आरटी यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है ना। तो हॉट फॉर्मिंग का मतलब है यहां पर पहले कोल्ड वर्किंग के बारे में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, और कोल्ड वर्किंग पहले बताया गया है, फिर वार्म वर्किंग बताया गया है, और फिर जो हॉट वर्किंग बताया गया है ना। तो कोल्ड वर्किंग में जो काम किया जाता है वो रूम टेम्परेचर, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उस पर काम किया जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही उस पर काम किया जाता है, उसको कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। एल्युमिनियम का जो शीट वगैरह बनते हैं ना, एल्युमिनियम के जो बर्तन बनते हैं ना, एल्युमिनियम का उसको रूम टेम्परेचर पे ही काम किया जाता है, एल्युमिनियम का है ना। तो कोल्ड वर्किंग में आपको फायदा क्या है, क्लोजर टॉलरेंस आपको मिलेगा, गुड सरफेस फिनिश मिलेगा, और जो आपको जो पार्ट बनेगा उसका हाई स्ट्रेंथ होगा, हार्डनेस उसका ज्यादा होगा, ये आपको उसमें होगा। ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ग्रेन फ्लो आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में आपको जाता है, ये आपको एडवांटेज है। सिंस द नो हीटिंग ऑफ द वर्कपीस इज इन्वॉल्व, इसीलिए फर्नेस का कोई जरूरत नहीं है, फ्यूल का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसमें आपको बच जाता है, कोल्ड वर्किंग में आपको ये फायदा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको बच गया, फर्नेस का कॉस्ट आपको बच गया। इसमें मशीनिंग रिक्वायरमेंट्स आपको मिनिमम है, जो आपको शेप बनता है वो आपको सही शेप में बनता है, इसीलिए आपको इसको आपको ये आपको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे आपको काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आप कोल्ड वर्किंग में काम कर रहे हैं तो इसमें हायर फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा ना वो आपको हायर लगेगा और पावर आपको ज्यादा लगेगा। स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ द वर्क मटेरियल लिमिट द अमाउंट ऑफ द फॉर्मिंग दैट कैन बी डन, जो आपको स्ट्रेन हार्डनिंग है वर्क मटेरियल का वो आपको लिमिट करता है कि किसका आपको कोल्ड वर्किंग होगा आपको नहीं होगा। समटाइम्स कोल्ड फॉर्मिंग एनीलिंग कोल्ड फॉर्मिंग साइकिल शुड बी फॉलो, ये आपको द वर्कपीस इज नॉट डक्टाइल टू बी द कोल्ड वर्क, ये आपको आपको किसी किसी मटेरियल में आप कोल्ड वर्किंग आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको कोल्ड वर्किंग का बारे में था। वार्म वर्किंग क्या है, वार्म वर्किंग देखिए ये आपको मेल्टिंग पॉइंट,
है ना। तो इसमें आपको रूम टेम्परेचर के अबव एंड बिलो द रिक्वेस्ट लाइसेंट टेम्परेचर ये आपको काम किया जाता है। जनरली दो जो वर्किंग टेम्परेचर इसमें रहता है ना 0.3 और टीएम रहता है। टीएम इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्क पीस, तो इसको वार्म वर्किंग बोलते हैं, है ना। वार्म वर्किंग वर्कपीस को गर्म कर दिया, वर्कपीस को आपको गर्म कर दिया और उसमें आपको काम करने लग गया, तो ये आपको जो है प्रोसेस है आपको वार्म वर्किंग है। जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर और जो वर्किंग टेम्परेचर है 0.3 TM, TM इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्कपीस, तो ये आपको वार्म वर्किंग कहलाता है। वार्म वर्किंग का आपको एडवांटेज क्या है, आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी आपको इनहांस कर देगा, मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी आपको जल्दी ला देगा। लोअर फोर्स लगेगा क्योंकि आपने गर्म कर दिया है, तो इसमें आपको लोअर फोर्स लगेगा और इंट्रिकेट वर्क ज्योमेट्री पॉसिबल, आप जिस तरह का शेप चाहते हैं वो आपको आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा एनीलिंग वगैरह भी अगर बाद में करना होता है वर्क हार्डनिंग के लिए, तो वो भी आपको स्टेज आपको खत्म हो जाएगा। ये आपको वार्म वर्किंग का आपको एडवांटेज है ना, कोल्ड वर्किंग से आपको वार्म वर्किंग का आपको ये एडवांटेज है। और ये तीसरा प्रोसेस था हॉट वर्किंग, है ना। ये हॉट वर्किंग जो है ना ये आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव होता है, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हर एक मेटल का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना वो अलग अलग होता है क्योंकि सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इसमें जो काम किया जाता है ना वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर काम किया जाता है, और इसमें जो आपको काम किया जाता है ना 0.5 TM टू द 0.75 TM, इसके बीच में आपको काम किया जाता है 0.5 TM टू द 0.75 TM के बीच में आपको काम किया जाता है हॉट वर्किंग, है ना। तो हॉट वर्किंग में आपको इसका एडवांटेज क्या है, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है मेटल का आप आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्योंकि आपने वर्कपीस को गर्म कर दिया है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको आसानी से होगा। सिग्निफिकेंट चेंज इन द वर्कपीस शेप, जो वर्कपीस का शेप में जो है आपको आपको जो है आपको चेंज आपको अच्छी से होगा। लोअर फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, कम पावर का जो मोटर से आप जो है ये जो ऊपर का जो प्रोसेस मैंने दिखाया वो आप कर सकते हैं, कम पावर का वह जो है आप मोटर से ये आपको ये आप कर सकते हैं। मटेरियल विद द प्री मेच्योर फेलोअर कैन बी हॉट पॉट, जो मटेरियल कोल्ड वर्किंग में आपको फेल कर जाता है नहीं काम करता है, तो हॉट वर्किंग में उसका जो है आप उसको काम कर सकते हैं, ये उसका फायदा है ना। और अब्सेंस ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग, इसमें आपको ये आपको वर्क हार्डन आपको ऑलरेडी हो जाता है, ये आपको हॉट वर्किंग का आपको फायदा है। इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके जो टूल लाइफ है वो आपको शॉर्टर हो जाएगा क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे ना, हाई टेम्परेचर पे जब काम करेंगे तो आपको जो डाई और पंच का जो आपका लाइफ है ना वो आपको घट जाएगा, उसमें धीरे धीरे आपको आपको ऑक्सीडेशन होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा और टूल लाइफ आपको घट जाए। दूसरा लिमिटेशंस क्या है ना, आपको सरफेस फिनिश आपको पुअर मिलेगा क्योंकि मेटल जो उसमें आपको आपने गर्म किया ना तो मेटल ऑक्साइड्स आप उसमें फॉर्मेशन होगा, मेटल ऑक्साइड्स जो उसमें फॉर्मेशन होगा तो सरफेस फिनिश आपको इसमें आपको कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा आपको पुअर होगा। लो डायमेंशनल एक्यूरेसी विल बी देयर, आपको इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी भी आपको कम मिलेगा एंड द सरफेस ऑक्सीडेशन विल बी देयर, सरफेस चूंकि काफी हीटेड है तो ये आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपको सरफेस ऑक्सीडेशन है जो आपको होगा, ये आपको तीन जो है आपको प्रोसेस था, है ना, कोल्ड वर्किंग, वार्म वर्किंग एंड द हॉट वर्किंग प्रोसेस, है ना। उसके बाद हम लोग अगले प्रोसेस पल्प फॉर्मिंग प्रोसेस में फोर्जिंग को पहले हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए फोर्जिंग ये आपका ऑपरेशन है,
ये आपको अपर डाई है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको लोअर डाई है। फोर्जिंग बहुत ज्यादा आपको मेटल को बनाने में आपको काम में आपको लाया जाता है। फोर्जिंग प्रेस काफी आपको इंडस्ट्री में आपको यूज होता है। इसमें जो आपको डाई फोर्जिंग है, ये आपको तीन तरह का डाई फोर्जिंग आपको यहाँ पर आपको यूज किया जाता है फोर्जिंग में। इसको ओपन डाई फोर्जिंग बोलते हैं और इसको इंप्रेशन डाई फोर्जिंग बोलते हैं, है ना। ये इंप्रेशन डाई फोर्जिंग हो गया है। अपर डाई एंड द लोअर डाई फ्लैश विल बी देयर इन दिस इनलेट साइड, ये आपको इंप्रेशन डाई हो गया। लोअर डाई आपका स्टेशनरी रहेगा, अपर डाई आपको मूवमेंट करेगा। और ये बिल्कुल अंदर में ये यहां पर फ्लैश का फॉर्मेशन होता था, यहां पर फ्लैशलेस फोर्जिंग होगा, इसमें फ्लैश का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग होगा, फ्लैश का फॉर्मेशन आपको नहीं होगा। ये आपको पंच है, ये आपको डाई है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको यहां पर आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग होगा। ये तीन तरह के आपके फोर्जिंग ऑपरेशन आपको तीन तरह का जो है होता है, है ना। इट इज अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड, इसमें कंप्रेस किया जाता है, दो ढाई के बीच में आपको कंप्रेस किया जाता है, इंपैक्ट लोड दिया जाता है, मैकेनिकल दिया जाता है या फिर हाइड्रोलिक दिया जाता है। ये आपको कई वैरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑटोमोटिव में आपको बनाने में काम आता है, एरोस्पेस का कंपोनेंट बनाने में आता है, अदर एप्लीकेशंस बनाने में आपको काम आता है, है ना। इंजन क्रैंकशाफ्ट आपको फोर्जिंग से ही बनता है, कनेक्टिंग रॉड्स आपको फोर्जिंग से, गियर्स फोर्जिंग से भी बनता है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपको फोर्जिंग से ही बनता है, जेट इंजन टर्बाइन पार्ट आपको फोर्जिंग से ही बनता है। कई एप्लीकेशन तो फोर्जिंग मशीन का, आप फोर्जिंग मशीन लगा लीजिए और कई तरह के कंपोनेंट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स आप मारुति को और दूसरे कंपनी को आप जो है यहां पर आप दे सकते हैं। कई कंपोनेंट उसके गियर्स बनते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स बनता है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है, जेट इंजन टर्बाइन पार्ट्स बनता है, इंजन क्रैंकशाफ्ट बनता है, है ना। ये आप उसमें आप कर सकते हैं। इसमें फोर्जिंग में आप तीनों कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग, वार्म वर्किंग के लिए खाए तो बहुत गर्मी है। ये आप तीनों तरह के आप जो है ऑपरेशन आप जो है आप कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं। ये आपको मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस मटेरियल पे करना है। एल्युमिनियम में पहले भी कोल्ड वर्किंग होता है, एल्युमिनियम के जो ऑपरेशन है वो आपको कोल्ड वर्किंग होता है। उसी तरह वार्म वर्किंग भी होता है, हॉट वर्किंग, हॉट फोर्जिंग भी आपको उसमें होता है। जब पूछ के का बात हुई है ना, आप लोड देते हैं और जो फोर्जिंग हैमर है आपको ग्रेजुअल प्रेशर दे करके आपको ये आपको, है ना, तीन तरह का आपको डाई फोर्जिंग है। यहाँ पर आपको तीन तरह का डाई फोर्जिंग मैंने आपको दिखाया। ओपन डाई फोर्जिंग में ये आपको जो लोअर नीचे डाई स्टेशनरी रहता है, अपर डाई आपको मूव रहता है, यहाँ पे आपको फोर्स दिया जाता है और यहाँ पे साइडवार्ड डायरेक्शन में आपको मूव कर सकता है। आपको ये ओपन डाई फोर्जिंग है ना, साइडवार्ड डायरेक्शन में आपको मूव कर सकता है, ये आपको ओपन डाई फोर्जिंग, और ये आपको इंप्रेशन डाई फोर्जिंग है, और ये आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग है ना। अब मैं पहले अटेंडेंस ले लूं आप लोग का, अमन कुशवाहा जी 5, अमन सिंह जी 6, आस्तो सिंह जी 12, चंचल कौशिक जी 13, मोहित अदाना जी 21,
नितेश मिश्रा जी 23, रोहित कुमार जैन जी 35, जतिन आर्या जी 16, शुभम कुमार राणा जी 31। नाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपका उनका नाम फिर से मैं आपको बता देता हूं। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, है ना, ये सारे आपके प्रेजेंट है, है ना। तो आज मैंने एक नोटिस भेजा था आपके ग्रुप में कि कोई स्टूडेंट अगर कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखना चाहते हैं तो यूरोप में ना एमएस में उसकी काफी डिमांड है। कोई बच्चा अगर रिसर्च पेपर लिख लेता है तो एमएस वगैरह जो आपको यूरोप में होते हैं तो उसमें आसानी से उसका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कई प्रोसेसेस मैंने अभी तक में आपको कंप्लीट करा दिया है मैंने मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसमें आप कोई प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कोरोना का कि जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो थ्योरेटिकल हम लोग जो है कोई प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर ज्वाइंटली जो है हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो कोई अगर स्टूडेंट अगर चाहते हैं तो मैंने आज नोटिस भेजा हुआ था, अगर उसमें आपको आप वो कर सकते हैं। पहले उसमें कुछ पेपर की आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको कुछ मेथड प्रपोज करना पड़ेगा और फिर किसी जर्नल में आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो प्रपोज मेथडोलॉजी होता है तो उसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है, तो ये आपको काफी आपको वैल्यू आता है रिसर्च पेपर का। अगर आपके पास रिसर्च पेपर रहा तो ऑस्ट्रेलिया में भी और यूरोपियन कंट्री में एमएस में आपको एडमिशन में आपको आसानी हो जाती है ना। तो ये हम लोग दो तरह का आपको फोर्जिंग ऑपरेशन में तीन तरह का मैंने आपको बताया, इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। ये इसमें आपको देखिए यहां पर इंप्रेशन डाई आपको यहां पे आपको दिखा हुआ है, इसमें मेटल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना, और इसमें आपको फ्लैश बनता है जो यहां पर आपको दिखाया गया है। फ्लैश जो है ना बाद में आपको काट करके हटा दिया जाता है, ये छोटा सा अमाउंट फ्लैश का बनेगा, दोनों आप लोअर डाई और अपर डाई के बीच में फ्लैश बनेगा, ये फ्लैश को हटा दिया जाता है, ट्रिम ऑफ कर दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है ना। तो और फ्लैशलेस फोर्जिंग में ये आपको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है विद इन द डाई, डाई के अंदर बनेगा, नो फ्लैश इज प्रोड्यूस, कोई फ्लैश आपको प्रोड्यूस आपको नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ द इनिशियल वर्क पीस यूज मस्ट बी कंट्रोल एक्यूरेटली सो दैट इट मीचेज द वॉल्यूम ऑफ द डाई कैविटी, ये आपको डाई कैविटी के आपको बराबर आपको बन जाता है ना, ये आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग, ये आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग है ना। तो ये आपको फ्लैशलेस फोर्जिंग था। ओपन डाई फोर्जिंग के बारे में देखिए आपको यहां पर ऑपरेशन दिखाया गया, स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन है ना, फिर पार्शियल कंप्रेशन एंड द कंप्लीटेड कंप्रेशन, ये आपको फाइनल हाइट है एचएफ, इनिशियल हाइट है एच जीरो और ये हाइट है एच, है ना, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, इसको अपसेटिंग भी बोलते हैं, अपसेट फोर्जिंग भी बोलते हैं। इसमें आपको हाइट डिक्रीज कर जाता है और डायमीटर आपको इंक्रीज कर जाता है, इसमें आपको होमोजेनियस आपका डिफॉर्मेशन होता है ना, इसमें डायमीटर आपको होमोजेनियसली आपको आपको जो है आपको इंक्रीज करता है, डायमीटर आपको होमोजेनियसली इंक्रीज करता है और आपको इनिशियल कंडीशन में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है एच एफ
और एच जीरो ये आपको इन इनिशियल कंडीशन में, ये आपको स्ट्रेन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, फोर्स कितना लगेगा ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि रो एफ जो फ्लो स्ट्रेस है यो कितना फोर्स लगेगा वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। बट इन द केस ऑफ द एक्चुअल फोर्जिंग ऑपरेशन द डिफॉर्मेशन विल बी नॉट होमोजेनियस, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन रहेगा डाई बिलेट में, तो आपको ये आपको कहते हैं इसको बैरलिंग इफेक्ट करते हैं, बैरलिंग इफेक्ट है, बैरलिंग इफेक्ट विल बी सिग्निफिकेंट एज द डायमीटर ऑफ द हाइट टू रेशियो टू द वर्क पार्ट इंक्रीजेज, ये आपको बैरलिंग इफेक्ट है, ये आपको बैरलिंग फिनोमेना है ना, ये आपको बैरलिंग फेनोमेना है, ये आपको स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन, ये आपको पार्शियल कंप्रेशन और द कंप्लीटेड कंप्रेशन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। तो ये आपको फोर्जिंग का था और आज हम यहीं तक रहने देते हैं और इसको फिर से आपको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये कौन कौन सा जो मैंने आपको कंप्लीट किया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का मैंने आपको डिफिनेशन बताया, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में आपको बताया, कैटेगरीज बताया कि मेटल फॉर्मिंग में दो कैटेगरी होती है, बल्क डिफॉर्मेशन होता है, शीट मेटल वर्किंग होती है, एंड बल्क डिफॉर्मेशन के ये चार प्रोसेस हैं और शीट मेटल फॉर्मिंग के ये आपको पांच प्रोसेस हैं, टोटल नाइन प्रोसेस हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, एंड ये इंडस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जितने भी मेटल्स का जो फॉर्मिंग है आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से आपको होता है, यहाँ आपको बताया गया कि लार्ज सेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपको नाइन तरह के आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। ये आपको बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस है, ये आपको रोलिंग है, ये आपको फोर्जिंग है, ये आपको एक्सट्रूजन है, ये आपको वायर ड्रॉइंग है, क्लियरली आपको जो जो प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग है रोलिंग का आपको दिखाया गया, कई तरह के रोलर्स होते हैं ना इस पे आपको लगाए जाते हैं, ये आपको सिंपल प्रिंसिपल आपको दिखाया गया है कि ये जो है वर्कपीस है और ये आपको रोल है, ये आपको रोल है, आपको प्रेशर दिया गया तो ये आपको हाई प्रेशर अप्लाई किया गया तो ये वर्कपीस आपको यहाँ पर आपको वेलोसिटी देता है, तो ये आपको रोलिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, है ना, दो रोल है, रोल के बीच में उसको करते हैं, ये इसको रोलिंग बोलते हैं। फोर्जिंग में ये आपको दो डाई है, ये बीच में आपको वर्कपीस रखा गया और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ पे वेलोसिटी अप्लाई किया गया, ये आपको फोर्जिंग करके आपको यहाँ पर आपको कई कंपोनेंट आपको बनाए जाते हैं, है ना, कई कंपोनेंट आपको बनाए जाते हैं। एक्सट्रूजन में ये जो ब्लू कलर का है ना ये आपको मेटल है, मेटल यहाँ पर है, जो 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 वर्कपीस है ये आपको ब्लू कलर का आपको दिखाया गया और ये आपको डाई है, यहाँ पर आपको रैम है, ये रैम से आपको प्रेशर दिया जाता है और ये वेलोसिटी से आपको निकल जाता है, ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है ना, ये आपको वायर ड्रॉइंग है, ये आपको डाई है, ये आपको वर्कपीस है, यहाँ पर एफ फोर्स लगा कर ना ये वेलोसिटी भी से आपको खींचते हैं, है ना, ये फोर्स लगा करके वेलोसिटी भी से आपको यहां पर आपको खींचते हैं, ये आपको वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है ना, ये आपको वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है।